दोस्तों, कैसे हुआ श्री कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त मीराबाई का अलौकिक जन्म? दोस्तों, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सच में चौंका देने वाली बात है। दोस्तों, यह है मीराबाई की दिव्य जीवन कहानी, मीरा चरित्र का पहला भाग, जिसमें कलयुग में मीराबाई के जन्म के पीछे का असली रहस्य बताया गया है। मारवाड़ राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जब ने लोगों की बहादुरी, उदारता, सादगी और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। राठौर राजपूतों ने इस पूरी भूमि पर शासन किया है। मीराबाई का जन्म वर्ष 1504 में राजा रतन सिंह और शिवीर कुमारी की बेटी के रूप में हुआ। मीराबाई के जन्म से पहले वृंदावन से आए एक संत ने मीराबाई के महल में करीब 9 महीने तक श्रीमद् भागवत का पाठ किया और उस संत ने मीराबाई की माँ द्वारा पूछे गए भगवान, जन्म, मृत्यु, पाप पुण्य से संबंधित सभी सवालों का लगातार जवाब दिया। इससे उस संत को आभास हो गया कि मीराबाई की माता एक महान व्यक्तित्व को जन्म देने वाली है। मीराबाई की कुंडली देखने आए राजपूत ब्राह्मण ने घोषणा की कि यह कन्या शांत, सदाचारी, बुद्धिमान, विलासी, प्रतापी, सदाचारी, भक्तिमय और ध्यान करने वाली होगी। यह भाई बहनों से मुक्त, सुख दुख से दूर होगी, सांसारिक सुखों से वंचित। यह हमेशा अपने पिता के घर और अपने ससुराल दोनों को प्रसिद्धि देगी। वह अपने और अपने माता पिता के नाम को अमर बनाएगी और मनुष्य जन्म का फल यानी भगवान के दर्शन प्राप्त करेगी। उसकी मृत्यु होगी अचानक और अद्वितीय होगी। राव दूदा जी यानी मीराबाई के दादाजी ने कुछ देर सोचा और कहा कि यह भक्ति की सूर्य है, इसलिए इसका नाम मीरा होगा। एक दिन 6 महीने की मीराबाई इस कदर रोने लगी कि चुप न रह सकी। गोद, डोल, दूध, मिठाई, माँ, फल और रखेल आदि सभी उसे रिझाने में प्रयास में विफल रहे। फिर दूदा जी ने उसे सीधे मंदिर ले गए। उस मंदिर में भगवान चतुर्भुज नाथ की आरती चल रही थी। उन्होंने मीराबाई को श्री कृष्ण की ओर संकेत से देखने की प्रेरणा दी। उसे देखते ही वह चुप हो गई और कुछ देर उसे देखने लगी। दूदा जी को यह देखकर चकित थे, भक्ति गीत गाने लगे। मीराबाई अपना हाथ श्री कृष्ण की ओर करके दूदा जी को कुछ समझाने का प्रयास कर रही थी। उस दिन से सभी को मीराबाई को रोने से रोकने का सरल उपाय मिल गया, जो श्री कृष्ण के दर्शन करने का था। दूदा जी उनकी भक्ति का पोषण कर रहे थे। 1 साल की मीराबाई ने कई छोटे छोटे भक्ति गीत सीखे थे और ये गाने दूदा जी को अपनी लड़खड़ाती आवाज से सुनाया करती थी। संत तब भी आते हैं, दूदा जी उन्हें स्वागत के लिए प्रेरित करते हैं। जब वे कहानियाँ सुनाती है तो वह चुपचाप सुनते और धीरे धीरे अपने दादा की गोद में सो जाती। ऐसा था मीराबाई का जन्म और उनका बचपन। ये सच में बहुत ही प्रसन्न करने वाला और मन को शांति देने वाला प्रसंग है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।